Today our topic is atomic number and mass number from chapter 1 fundamentals of chemistry. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि what is atomic number. The number of protons in the nucleus of an atom is called atomic number. ठीक है, जो protons जितने होंगे वो उसका जो है atom का atomic number कहलाता है. ठीक है, और atomic number को जो है हम z से show करते हैं. इधर से शो करते हैं और एग्जांपल हमने इसमें फॉर एग्जांपल ली है कार्बन की. कार्बन की जो है एटॉमिक नंबर 6 है. ठीक है, ये 6 इस तरह से लिखा जाता है इस सबस्क्रिप्ट में, यानी नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है. ठीक है, और ये सिंपल एटम्स की. और न्यूट्रल एटम में क्या होता है, अगर कोई एटम न्यूट्रल होगा तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं. तो हम न्यूट्रल एटम के लिए ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूट्रल एटम के लिए जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यूज हो सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी. ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग मास नंबर. मास नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है एटम में होंगे उसको हम मास नंबर कहते हैं. ठीक है, और मास नंबर इस तरह से लिखा जाता है, कार्बन का मास नंबर होता है 12 और इसको सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर की तरफ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, अभी हमने देखा था जो एटॉमिक नंबर था वो हमने यहाँ पे लिखा था लेफ्ट हैंड साइड सबस्क्रिप्ट में यानी नीचे की तरफ, और मास नंबर जो है वो ऊपर की तरफ लिखा जाता है. और मास नंबर को हम जो है ए से शो करते हैं. ठीक है, और इसका जो है वो फॉर्मूला होता है, इस तरह इसको लिख सकते हैं कि मास नंबर जो है वो जेड एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें न्यूट्रॉन्स के लिए तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं. अगर हमें न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हो तो जेड यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी इस तरह से बन जाएगा ए माइनस जेड. तो ये न्यूट्रॉन्स के लिए जो है ए माइनस जेड इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा. अब हम जो है वो एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं इसकी, इस फॉर्मूले के थ्रू कि किस तरह से अप्लाई होगा. ठीक है, हम दो की एग्जाम्पल 1.1 देख रहे हैं कि इसमें जो है वो किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज़ किया हुआ है. तो इसमें जो हम डेटा बना लेते हैं, पहले क्वेश्चन है, इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. ठीक है, तो हम डेटा बनाएंगे सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमें गिवन है 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और फाइंड आउट हमने इसमें करना है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर जो है हम इसमें फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो एज वी नो दैट द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 11 है, तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो तो 11 ही होगा. ठीक है, अब सेकेंड वन है हमें मास नंबर फाइंड करना है. तो मास नंबर के लिए हमने अभी फॉर्मूला जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन. ठीक है, तो जेड क्या होता है, जो है एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और एन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. तो यहाँ पे जेड जो है 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 12 है. ठीक है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो है वो मास नंबर ए इक्वल्स टू 23, यानी मास नंबर जो है इसका 23 आ जाएगा. ठीक है, अब हम जो है एक और एग्जाम्पल्स की देखेंगे. ठीक है, अब हम देख रहे हैं उसकी एग्जाम्पल 1.2, उसका क्वेश्चन हमें गिवन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है वो हमें गिवन है ए 40 देन इक्वल्स टू 20. ठीक है, तो हम इसका पहले डेटा बनाएंगे, मास नंबर 40 एंड एटॉमिक नंबर 20, और फाइंड क्या करना है हमें इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और एज वी नो दैट द एटॉमिक नंबर इज द एक्चुअल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितने होंगे, जो इसका जो है वो एटॉमिक नंबर होगा वही जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 20 है. ठीक है, अब जो है हमें सेकेंड फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, अगेन हम वही फॉर्मूलाज के लिए जो है वो यूज करेंगे, ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन. ठीक है, तो n के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, इस तरह से हो जाता है n इक्वल्स टू a माइनस जेड. ठीक है, तो a हमारे पास 40 है और z जो है वो 20 है. ठीक है,
तो हम इसे लिखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास 20। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर एंड हुआ। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बर वक्त देख सकें। थैंक्स, अलविदा।